अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इम्पोर्टेंट टूल्स इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जो कि CEH प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। इन इम्पोर्टेंट्स के अलावा हमें और भी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको CEH प्रैक्टिकल सक्सेसफुली पास करना है तो इन टूल्स को इंस्टॉल करना लाजमी है। आइए हम चलते हैं पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे मैं रूट यूज़र से लॉगिन करूँगा। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो रहा है। हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो अब हमने टर्मिनल को ओपन करना है और टर्मिनल के ऊपर जाके हमने इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसका आईपी एड्रेस चेक करना है, IIF कन्फिग। तो ये ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। तो अब हम चेक करेंगे पिंग www.google.com। तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन सही है, इसको करते हैं कंट्रोल सी क्लियर। तो अब हम इसको करेंगे अपडेट, APT गेट अपडेट। सबसे पहले इसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद इसको करेंगे अपग्रेड, और अपग्रेड करने के बाद कुछ टूल्स इंस्टॉल करेंगे जो कि CEH प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। APT get upgrade। Yes। थ्री मिनट्स रिक्वायर्ड, लेकिन एक मिनट से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 36 पैकेजेस जो अपडेट हुए हैं, तो ये ज़रूरी है अपग्रेड करना। इंशाल्लाह इन लैब्स को आप जब इन CEH प्रैक्टिकल लैब्स को आप सेटअप कर लेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह तमाम टूल्स की फंक्शंस चेक करेंगे, अटैक्स परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स परफॉर्म करके हम CEH को CEH प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही अपना एग्ज़ाम पास कर सकेंगे। तब तक के लिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ।
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है, तो इसको करते हैं क्लियर। अब हमने कुछ टूल्स इसके ऊपर इंस्टॉल करने हैं, और सबसे पहले हम इसके ऊपर ओपन वैस, जो कि वुलनरेबिलिटी एनालिसिस के लिए टूल्स यूज़ होता है, उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ओपन वैस, आपने एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, देन पेन टेस्टिंग यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स के ऊपर जाना है, देन आपने वुलनरेबिलिटी एनालिसिस और ओपन वैस सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे हम इसके सबसे पहले इसका हम स्टार्टअप सेटअप चेक करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक ये सक्सेसफुली नहीं है, दोबारा से हम चेक करते हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ओपन वेस, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा स्टार्ट इन न्यू इंस्टॉलेशन। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन की हुई है, तो मैं जस्ट इसको करता हूँ स्टॉप आ स्टार्ट, यहाँ पे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका स्टार्ट हो चुका है, और जस्ट आपको आपको कुछ भी नहीं करना, फायरफॉक्स ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा। और यहाँ पे इसको करना है एडवांस्ड, क्लिक ऑन एडवांस, देन एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे हमने यूज़र देना है रूट और पासवर्ड और लॉगिन करना है। तो आप ये इसका जो यूज़र अकाउंट है आप देख सकते हैं, ओपन वेस मेरे पास सक्सेसफुली चल रहा है। और यहाँ पे आप जाके इसका माई सेटिंग में जाके अपना अकाउंट पासवर्ड और ये सारा कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट, एंड देन यहाँ पे आप पासवर्ड और जो अपनी सेटिंग करना चाहते हो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस टूल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड है, और अब हमें कुछ टूल्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं सी एच प्रैक्टिकल के लिए, वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ, एलएस सीडी डेस्कटॉप डेस्कटॉप एलएस क्लियर, तो यहाँ पे हम कुछ टूल्स इंस्टॉल करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले पहला जो टूल होगा वो है द हार्वेस्टर, APT। आपने करना है APT गेट इंस्टॉल द हार्वेस्टर वेस्टर, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको करते हैं क्लियर। दूसरा टूल है APT गेट इंस्टॉल, दूसरा टूल है यूनिकॉर्न स्कैन, ये भी चेक कर लेते हैं इंस्टॉल्ड है या नहीं। यूनिकॉर्न स्कैन ये भी इम्पोर्टेंट टूल है, ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसको कहते हैं क्लियर। इसकी टूल जो है, ये टूल्स की लिस्ट जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और तीसरा टूल है
डीएनएस रेकन, डीएनएस रिकॉनसेंस के लिए, हिपिटिस्टॉल डीएनएस रिकन, सॉरी क्या टूल है, apt-get install dns recon जी। तो स्पेलिंग्स को आपको बड़ा, लेकिन ये टूल सही नहीं है। आपको मैं इसके वाले से बाद में बता दूंगा ये टूल dns recon क्यों नहीं है इसके अंदर। तो कुछ टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, और जो हमारा फोर्थ टूल है apt get install skip fish, ये कैपिटल लिखना पड़ेगा skip fish, sorry apt install, sorry apt get install skip fish। मुझे स्पेलिंग्स कुछ बोल रहे हैं, तो इनकी मैंने लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्योंकि ये कुछ पैकेजेस जो है ना वो ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है, और कुछ है तो इसके क्योंकि यहाँ पे पैकेजेस के नेम चेंज हो सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिस्ट डाल दूंगा। तो आपको कोई भी टूल जो इंस्टॉल करना है वो उससे पहले आपने लिखना है apt get install लाइक यर्सिनिया, ये भी एक टूल है, तो ये भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो कुछ टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, तो इनको मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देता हूँ। तो टोटल हमें जो टूल्स चाहिए होंगे वो हैं तकरीबन 12 टूल्स जो इम्पोर्टेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देता हूँ विद कमांड्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये थी कुछ कमांड्स जो कि पैरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना था और ये टूल इंस्टॉल करने थे। आपके लिए इतना ही काफ़ी।